भारत अपने ऐतिहासिक विरासत से पहचाना जाता है और जब बात करें भारत के मंदिरों की तो यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जिनका इतिहास सदियों पुराना है। आज हम ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास लगभग 1900 साल पुराना माना जाता है। हम बात कर रहे हैं कैमूर जिले में स्थित माँ मुंडेश्वरी देवी मंदिर की। इस मंदिर का संबंध मार्कंडेय पुराण से भी है जिसमें शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड के वध की कथा मिलती है। देवी के इस मंदिर में प्राचीन शिवलिंग का चमत्कार भक्तों को दिखता है तो माता की अद्भुत शक्ति की झलक भी यहाँ दिख जाती है। इस मंदिर की खास बात यह भी है कि यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी बलि देने आते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर बहुत ही चमत्कारी है और यहाँ सच्चे मन से मांगी हर मनोकामना पूरी होती है। माँ मुंडेश्वरी देवी के इस मंदिर को देश के 51 शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है। जिले में भगवानपुर प्रखंड के पौरा पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर में पूजा आदिकाल से होती आ रही है। कहा जाता है कि मुगल काल में बादशाह अकबर ने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था लेकिन इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश विफल रही थी। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता रक्तविहीन बलि है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां आए श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने के बाद चढ़ावे में खस्सी यानी बकरा चढ़ाया जाता है। पुजारी द्वारा बकरे को माँ मुंडेश्वरी के चरण में रखा जाता है। माँ के चरण में अक्षत यानी चावल का स्पर्श करा पुजारी उस अक्षत को बकरे पर फेंकता है। अक्षत फेंकते ही बकरा अचेतावस्था में माँ के चरण में गिर जाता है। कहते हैं कि कुछ क्षण के बाद पुनः पुजारी द्वारा अक्षत को माँ के चरण से स्पर्श कराकर बकरे पर फेंका जाता है और अक्षत फेंकते ही तुरंत बकरा अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इस रक्तविहीन बलि को देखकर उपस्थित श्रद्धालु सिर्फ माँ का जयकारा ही लगाते हैं। इस रक्तविहीन बलि को देखकर उपस्थित श्रद्धालु जोर जोर से माँ का जयकारा लगाते हैं। तो ये थी बिहार के प्राचीनतम माँ मुंडेश्वरी देवी मंदिर के बारे में कुछ खास जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।